आज के लेक्चर में हम समझेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती क्या है, कौन कौन सी आइटम उसमें फॉल होती हैं और कौन कौन से उसके मेथड्स हैं और कौन सा मेथड हम करने वाले हैं और कैसे डिटरमिन करेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके दोनों मेथड आपको करवाऊंगा और रीज़न भी बताऊंगा क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है और एंड में करेंगे एक इलस्ट्रेशन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू Tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल दिया है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट वगैरह या फिर उसका मीनिंग सब समझा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वो जाके चेक कर लीजिए। ओके, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या इंक्लूड होगा और इसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि हमारा जो मेन ऑपरेशन है, जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं ना, उसमें जो हमारा कैश इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, उसको देखते हैं हम। ठीक है, सपोज हमारे ना मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल शॉप में आपने क्या देखना है कि कितने के मोबाइल आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में सेल किए हैं और उसके अगेंस्ट कितने में आपने वो खरीदे थे। जितने के सेल किए वो आपका इनफ्लो होगा, जितने के खरीदे वो आपका आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो में आपके पास और आइटम्स भी आ जाती हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ स्टाफ, ठीक है, ऑफिस शॉप का रेंट या फिर शॉप के इलेक्ट्रिसिटी, जो भी खर्चे ऑपरेशन को चलाने के लिए मस्ट हों वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं हमारे। ओके, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, वो वाला लेक्चर भी अगर नहीं देखा तो मैं बटन में दे रहा हूँ और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको साथ ही में दे दूंगा और वो प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। उसके साथ भी आपको बहुत ही चीज़ें बिजनेस की समझ आती हैं। इन शॉर्ट, हमने कैश देखना है कि जितना हमने व्यापार किया है उसमें हमने पैसा अपना बचाया है कि गंवाया है, हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो तो हम देख चुके हैं नेट प्रॉफिट वगैरह में, लेकिन पैसा कितना आया है या कितना गया है वो देखना है हमने। ठीक है, अगर बिजनेस में कैश नहीं है तो बिजनेस नहीं चल सकता। प्रॉफिट या फिर लॉस का इतना इशू नहीं होता, प्रॉफिट कमाना भी बिजनेस का एम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैश डेड करके प्रॉफिट कमाए जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करने के टू मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट और है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम कवर नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड ही आपके सिलेबस में है, तो इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करने के लिए हमारे टोटल 5 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डिटरमिन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकेंड स्टेप है हमारे पास डिटरमिन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और फोर्थ स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और लास्ट में हमारे पास फिगर निकल के आया कि कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, आज के लेक्चर में हम 2 ही आइटम्स कवर कर पाएंगे। अगर सारी के सारी आज के लेक्चर में कवर करता हूं तो लेक्चर बहुत ही लंबा जाने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 तो कवर हो कम से कम। अब जे क्वेश्चन हमारा कोई भी आए, जब भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की आइटम आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो चाहे जीपी गिवन हो, जीपी से आपने आगे को आना है, नेट प्रॉफिट से आपसे पीछे को लेके जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, जो जो आइटम आपकी ऐड की थी वो लेस करोगे, जो लेस की थी ऐड करेंगे। वो कैसे करनी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आइटम हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने के भी हमारे पास दो वे हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों में आइटम्स ही चेंज हो जाएंगी। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे कौन सा मेथड वहाँ पर फिट हो रहा है, वो ही आप लगाओगे। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन दोनों ही समझा देता हूँ। अब स्टार्टिंग पॉइंट ही चेंज होगा क्वेश्चन का। पहला मेथड है हमारा इफ स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर की है उसमें से आपने अगर प्रॉफिट उठाया है तब एक मेथड बनता है। दूसरा है इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब एक आइटम है आपके पास प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक है बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो सरप्लस बचा। अब क्या है, प्रॉफिट तो हमारा हो गया ओवरऑल सारी एक्टिविटीज नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग करने के बाद जो बचा नेट वो हमारा होता है ऑपरेटिंग। ठीक है, प्रॉफिट ओके, सॉरी नेट प्रॉफिट होता है वो हमारा। लेकिन जो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो बचता है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू डिविडेंड, जर्नल रिजर्व्स एंड अपने जो अपने किया टैक्स वगैरह मेड किए, प्रोविजंस रखी, वो सारा कुछ निकालने के बाद जो प्रॉफिट में से भी सरप्लस बचा वो होता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना। ओके, अब पहले मेथड्स में हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टैक्स के बाद वाला आपके पास प्रॉफिट अगर दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, टैक्स के बाद वाला ही दिया होगा। ओके, वो आपने ले लेना है। उसके बाद आपने ऐड करना है उसमें अगर कोई प्रोविजंस हैं फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिट एज एक्सपेंसेस टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने एज ए एक्सपेंस उसको ट्रीट किया हुआ है वो भी आपने ऐड बैक करनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से मतलब आपने राइट ऑफ किए बैड डेट्स, राइट ऑफ किया आपने गुडविल, ऐसी चीज़ें। ठीक है, और इसमें से लेस करना है आपने रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई रिफंड आया लेकिन आपने एज ए इनकम लिया हुआ है तो उसको आप लेस कर दोगे और लेस करोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो एज ए इनकम ले लिया आपने, ओके, उसको भी आप माइनस कर दोगे। उसमें आपका हो सकता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की एग्जांपल्स हैं, आगे आगे चलते चलते सारी आपको समझ लग जाएंगी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिया, उसमें से आपने जो दो आइटम इसमें 5 या 6 हैं जो ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे, ये आपकी स्टेटमेंट बन गई और जो निकल के आएगी अमाउंट वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, अब जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपने डेबिट करनी है या क्रेडिट करनी है उसका एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लोगे, उसका टोटल लगा के आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ओके, सेकेंड मेथड है हमारे पास इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस बचता है उसको उठाकर अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको ये मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। कॉमनली आपको सभी क्वेश्चंस में ये ही मेथड देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो चलिए सरप्लस की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हम लेंगे डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी आपके पास सरप्लस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है आपने उनका डिफरेंस ले लेना है, वो आपका बन जाएगा बैलेंस। ओके, जो करंट ईयर का आपने ऐड किया होगा ना वही बैलेंस आएगा आपका। ओके, उसमें आपने ऐड करना है डिविडेंड, फाइनल हो, प्रपोज्ड हो, पेड ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए। ठीक है, इंटरम डिविडेंड जो पेड ड्यूरिंग द ईयर किया हो, जो आपने दिया है, पेड पेमेंट की हुई है, वो लेने हैं। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, सेज, DRR, जनरल रिजर्व, कुछ भी पैसा कहीं भी आपने ट्रांसफर किया है वो भी लेना है। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं वो सारी ले लेनी है। लेस करना है अपने रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिटेड एज इनकम टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। जो भी आपने इनकम बना के डाला हुआ है अगर रिफंड इनकम टैक्स का, वो सब्ट्रैक्ट करना है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड एज इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, ये सारी आइटम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास नेट निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों ही मेथड्स में। अगर आप दोनों ही मेथड ओपोजिट रख के देखो, सबसे पहला डिफरेंस जस्ट यही है, उसमें आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया था, ठीक है, इसमें आपने लेना है बैलेंस, जो डिफरेंस आया ओपनिंग क्लोजिंग में, ठीक है। तीन आइटम ऐड करने वाली आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने ट्रांसफ़र प्रॉफिट किया होगा डिविडेंड को या फिर रिजर्व को, ठीक है। डिविडेंड दो प्रकार का, इंटरम भी है और फाइनल भी है। और ट्रांसफ़र रिजर्व के कितने भी हो सकते हैं, जर्नल रिजर्व, डीआरआर और वर्क कमेंट कंपोजिशन रिजर्व, ऐसे कई रिजर्व्स हैं जिसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये ही आइटम का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, अब हम रीज़न देख लेते हैं कि हम ये आइटम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करने वाले हैं दोनों ही मेथड्स में। क्योंकि आप में मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डिविडेंड की पेमेंट हो रही है तो कैश तो आउटफ्लो हो ही रहा है ना, तो कैश अगर आउटफ्लो हो रहा है तो आप यहाँ पर क्यों नहीं ले रहे। अब रीज़न ये है कि जो डिविडेंड की आइटम है हमारी, ये रिलेटेड टू होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो पेमेंट अगर हो रही है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं करने वाले। तो ये हमारा जो प्रॉफिट लेके जा रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये तो हमारा जाएगा कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ओके, और अब जो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व वगैरह या फिर डीआरआर है, ये तो हमारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, तो नॉन कैश की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नॉन कैश आइटम हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लेते, ओनली कैश आइटम्स लेते हैं। ओके, चलिए अब हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं फटाफट से टीएस ग्रेवाल की बुक में से। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ बेटा लिमिटेड। लायबिलिटी साइड्स दी हुई हैं हमें, और 2019 की और 2018 की फिगर्स दी हुई हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, 10% डीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सरप्लस दिया हुआ है और डिविडेंड पेबल दिया हुआ है। और उसके बाद ये हुए हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें ए पॉइंट है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 एंड 19 वर 1,50,000 एंड 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। और सेकंड दी हुई है बी अपने पास, एंड इंटर्म डिविडेंड 50,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2018। डिटर्मिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलिए इसकी इलस्ट्रेशन का जो सोल्यूशन हम सेकंड मेथड से करेंगे, क्योंकि हमारे पास सरप्लस दिया हुआ है, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं गिवन, तो सरप्लस का गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो उसको लेके हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास सरप्लस, ओपनिंग के क्लोजिंग माइनस करना है, तो लिखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 4,50,000, वो लिख लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, सरप्लस जो है ओपनिंग बैलेंस वो है 2,50,000। ओके, आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेट सरप्लस निकल के आ गया 2,00,000 रुपीज़। ओके, तो इसमें ऐड कर लीजिए सबसे पहले हमारी जो लास्ट एडजस्टमेंट दी है सेकंड वाली, इंटर्म डिविडेंड 50,000 और इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 2018, दिसंबर में ही पे की हुई है, ठीक है, पेड है लिखा है, तो ये पेमेंट है, इसको हम ऐड बैक कर लेंगे। इंटर्म डिविडेंड पेड ड्यूरिंग ईयर कितना है, 50,000। अब अगर हमारे पास प्रपोज डिविडेंड इक्विटी का भी है, उसका मतलब है हमने प्रेफरेंस शेयर्स का भी डिविडेंड दे दिया है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे नहीं सकते। इसलिए जो हिडन आपको दिया हुआ है 10% डीमेबल प्रेफरेंस शेयर, वो 10% डिविडेंड आपने पे ऑलरेडी कर दिया है, तो वो एडजस्टमेंट अब हम करेंगे। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, वो कितना बनता है 5 लाख आपके है ओपनिंग बैलेंस जो 18 का क्लोजिंग है, 10% उस पर लगाओ, ये बन गया 50,000, तो ये 50,000 भी हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हमें लिए हुआ है एक एडजस्टमेंट ए, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2019 वर ₹8 एंड ₹9 रिस्पेक्टिवली। अब प्रपोज डिविडेंड जो पिछले साल का है वो तो आपने पे कर ही दिया होगा ना इस साल, का तो अभी होल्ड कर लोगे, ठीक है। तो जो पिछले साल का 1,50,000 उसकी पेमेंट डाल देते हैं। तो लिखिए डिविडेंड payable during the year proposed dividend on equity share for the year ended 31st March 2018 1,50,000। तो ये तीनों ही आइटम ऐड करके आपने लिख लेनी है। वो कैसे आएगा 2,50,000, ये आपने ऐड कर लेना अपना जो सरप्लस का बैलेंस आया था उसमें, तो आपके पास ये आ गया 4,50,000 आइटम आ गई हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ऐसी 2-4 आइटम्स ही आने वाली हैं आपको क्वेश्चंस में, तो आप ये सारी कैलकुलेशन करके अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालोगे वर्किंग नोट में। उसके बाद आप इसको करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, अमाउंट लेके जाओगे ये वाला जो भी कैलकुलेट किया आपने वर्किंग नोट में, ओके। और सेकंड स्टेप है हमारे पास डिटरमिन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। अब आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद ये तो हमारा वर्किंग नोट था, फर्स्ट स्टेप में तो हमारा एक वर्किंग नोट बना जिसमें आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। अब हम प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहली आइटम जो आती है वो आती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद आप उसमें ऐड करते हो नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉन कैश इनकम्स लेस करते हो, और सेम वे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को ऐड करते हो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स को लेस करते हो, ठीक है। ये चारों ही आइटम्स का ट्रीटमेंट करने के बाद आपके पास अमाउंट निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसकी भी हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जिसके साथ में आपको आइटम्स बाय आइटम बताता जाऊंगा कि जो नॉन कैश आइटम है या फिर जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है। तो उसके साथ आपको ये चारों ही आइटम समझ भी आ जाएगी और आपका ये स्टेप भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक इलस्ट्रेशन और कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं करनी इसमें, उससे पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला है। आपको दिया हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑलरेडी गिवन है, डेप्रीशिएशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन बॉर्रोइंग गिवन है, गुडविल अमोर्टाइज गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी गिवन है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर गिवन है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। तो आपको जो जितनी भी आइटम्स दी हुई हैं जो सारी की सारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं और बीच में कुछ नॉन कैश आइटम्स भी हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इनडायरेक्ट मेथड्स का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वो जाकर चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये वीडियो का मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ। ये ऐसे पूरा का पूरा फॉर्मेट हमने कवर किया है, छोटा मोटा फॉर्मेट नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो आज हम जस्ट उसमें से पार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, ओके। तो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर और अमाउंट लिख के लिखते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 2,23,500, तो यहाँ पर भी लिख लीजिए 2,23,500। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जो भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उनकी यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है हमने। अगर तो वो सब्ट्रैक्ट किए होंगे उनको ऐड करेंगे, अगर ऐड किए वाले होंगे तो वो लेस करेंगे। मीन्स एक्सपेंसेस को ऐड करना है, इनकम्स को लेस करना है। तो सबसे पहली आइटम हमें दी हुई है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारा है नॉन कैश आइटम, तो नॉन कैश आइटम तो लेनी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग भी नहीं लेनी। तो लिखिए ऐड डेप्रीसिएशन अमाउंट है क्वेश्चन में 42,000, यहाँ पर भी लिख लीजिए 42,000। नेक्स्ट आइटम हमें दी हुई है इंटरेस्ट ऑन बॉरविंग 8,400। अब ये जो इंटरेस्ट है ये रिलेटेड टू होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई भी शेयर्स या लोन से रिलेटेड आइटम है वो जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। मीन्स ये क्या हो गया हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम को भी ऐड बैक कर दीजिए। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है ना, पे किया लोन पे, तो इसको ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बॉरविंग कितना आ गया 8,400। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल अमोटाइज की हुई है 9,300। तो गुडविल जो अमोटाइज की है हमने वो भी हमारा क्या होता है नॉन कैश आइटम। गुडविल अमोटाइज 9,300। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कोई भी एसेट्स से रिलेटेड आइटम्स होती हैं करंट एसेट्स को छोड़कर, वो सारी की सारी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ऑपरेशन में नहीं काम आता इसका, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे वापस। मीन्स ऐड बैक कर लो। तो लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास प्रीमियम और रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर 3,000। अब प्रीमियम और रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर है तो हमारा एक्सपेंडिचर ही, क्योंकि हमने प्रीमियम पे किया रिडम्पशन पर, लेकिन एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल नेचर का। तो ये है बैलेंस शीट से रिलेटेड वाला खर्चा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाला खर्चा नहीं होता। इसमें जो ये खर्चा हमने प्रॉफिट को डेबिट नहीं किया होता, तो इसको हम ऐड बैक भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये ना तो हमारा ऑपरेशन में डला है तो निकालेंगे क्यों। ओके, सो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 13,800। अब रिसीव किया है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रिसीव किया मीन्स इनकम डाल ली ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, क्योंकि ये हमने इन्वेस्टमेंट पे रिसीव किया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ये हमारी आइटम है नॉन ऑपरेटिंग। सो लेस कर लीजिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 13,800। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000। अब ये भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, हमने डाल लिया इनकम साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन ये रिलेटेड टू है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा है। तो एसेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है, कैश इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनकम्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना है। क्योंकि तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखिए और लिखिए 6,000। ओके, अब जो हमने सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट कर दिया है तो इनका आप टोटल लगा लेते हैं। ऐड करने वाली आइटम्स का टोटल आया हमारे पास 68,700, जिसको हमने ऐड किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, वो बन गया हमारा 2,92,200। और लेस करने वाली आइटम हमारे पास टोटल बन गया 19,800, तो इसको हम लेस करेंगे 2,92,200 में से, तो नेट हमारे पास निकल के आया 2,72,400। ये हमारा बन गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, तो आज के लेक्चर में हम कवर कर लिया हमारा जो फर्स्ट कैलकुलेशन है, वो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे कैलकुलेट करना है अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।